प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, की हाल समाचार छै दीदी? बैगन गाछी में देखि बैठल छै। बैगन में देखै छियै कीड़ा लागि गेलै। हाँ दीदी, तऽ पूरा पत्ता हम देखै छियै छेदा छेदा करि गेलै छै। एकरा की उपाय करबै दीदी? उपाय की करबै, हम दवाइ देबै। दीदी तऽ एकदम कोन दवाइ से स्प्रे करबो? अग्नियास्त्र से। एकदम अग्नियास्त्र से स्प्रे करबो? हाँ। जी अग्नियास्त्र की कौन चीज है दीदी? ये कीट मारे वाला है। अग्नियास्त्र की कीटनाशक चीज है? हाँ कीटनाशक। अग्नियास्त्र जो है भैया, वो हम घर में तैयारी करी थी, वह में हमारा कोई खर्च नहीं। ये अग्नियास्त्र दीदी अपना घरे में अपने से बनबे? हाँ। बनबे में भी कोई खर्चा नहीं लगे? नहीं। तब तो दीदी बहुत फायदा है जी। तब तो अग्नियास्त्र बहुत बढ़िया है, एरा बनबे में कोई खर्चो नहीं लगे, घर में बनबे और स्प्रे कर सब कीड़ो भागी है। हाँ भैया, मतलब दीदी बाजार से दवा खरीद के आनै छियै, ओकरा से स्प्रे करे छियै, ओ महंगो पड़े छै बहुत दीदी। यह करिए ना भैया, यह बनाइए ना। हाँ अब तो यह करबे ना, अब अग्नियास्त्र बना के स्प्रे करबे। दीदी अग्नियास्त्र प्रयोग करे की उद्देश्य छै? उद्देश्य छै भैया बताबै छी, तना छेदक, फल छेदक, और फल में लागे छोटो बड़ो सुंदी, वही सब बचत। तो दीदी अच्छा उद्देश्य है ना? हाँ। उद्देश्य तो दीदी बतला दिलो, अब तो अपना परिचय बता दो। अच्छा बता दी, नाम भेले चंद्रकला देवी, लक्ष्मी सेन सहिता समूह से सचिव छे, सागर जीविका महिला ग्राम संगठन के सचिव छे, घर हेले बघवा, पोस्ट मीरगंज, थाना मीरगंज, प्रखंड धमधा, जिला पूर्णिया, पूर्णिया का निवास। अग्नियास्त्र से स्प्रे करे में जे जे सामान लागे छे भैया, से सामान हम सब बताए दे। हाँ दीदी बतला दे की सब सामान लागे छे। अच्छा ठीक छे, ई सर्फ छे भैया। कते दीदी सर्फ छे? 10 ग्राम। सर्फो गरम दीदी जरूरी पड़े छे? हाँ भैया, ई स्प्रे मशीन, ई 15 लीटर पानी छे। 15 लीटर पानी छे दीदी? हाँ भैया, 500 ग्राम अग्नियास्त्र। एकदम अग्नियास्त्र के घोल छे दीदी 500 ग्राम? हाँ भैया। सबसे पहले स्प्रे मशीन में पानी देना, स्प्रे मशीन में यह पानी डाले, ये में अग्नियास्त्र के घोल डाले छी 0.5 लीटर, ये में सरफ घोर कर ढारे छी भैया। दीदी थ्रिप्स कौन सी होय छे? ऊ एक कीड़ा होय छे, ऊ कीड़ा आँख से दिखावी नहीं दे छे। यानी थ्रिप्स छे एकदम सूक्ष्म कीड़ा होय छे जे आँख से दिखाई नहीं दे छे? नहीं दे छे। मतलब दीदी ई होले कि अगर जे थ्रिप्स बीमारी रहते तो आधा ब्रह्मास्त्र मतलब 250 ग्राम ब्रह्मास्त्र और 250 ग्राम अग्नियास्त्र, 15 लीटर पानी मिला के स्प्रे करते। किएक ना हम एक एहनो किसान से मिलावे छे जे कि थ्रिप्स बीमारी के बारे में ओकरा जानकारी छे। हमरो नाम भेले जोगिंदर शर्मा, हमरो घर भेले नपटोलिया घराड़ी, और हम थ्रिप्स के बारे में बताबै छी कि थ्रिप्स बीमारी अधिकतर गभ्भा में ही होइ छै और ओ कीड़ा देखाय नहि पड़ै छै और सूखी जाइ छै मने गाछ पौधा। दीदी अग्नियास्त्र के प्रयोग करला से की लाभ छै? अच्छा बताबै छी भैया, से पर्यावरण पर असर नहि आबै छै, एकरा से उत्पादित सब्जी खेने से कुछ हानि नहीं छे। दीदी यानी अग्नियास्त्र के प्रयोग करबे एरा से पर्यावरण पर भी कोई असर नहीं पड़े छे, और एकरा से सब्जी फल उत्पादित होय छे ओ खाला से शरीर पर भी कोई असर नहीं पड़े छे, तो तेरा से बहुत अच्छा लाभ छे दीदी। दीदी अग्नियास्त्र के प्रयोग करे में कोनो सावधानियो रखे पड़े छे? रखे पड़े छे भैया, सावधानी ई रखे पड़े छे कि स्प्रे एक सुबह और शाम करना छे, हवा के विपरीत दिशा स्प्रे नहीं करना छे। 15 लीटर पानी में 500 ग्राम अग्नियास्त्र मिलाना छे, एकरो प्रयोग अपने गाम में करना छे, दूसरा गाम में करे करे घड़ी पूरा शरीर में कपड़ा ढक लेना चाहिए और कि नाक में रुमाल बांध लेना चाहिए। सावधानी ई सब दीदी राखे पड़े छे, ये स्प्रे जे करबे हम सुबह या शाम में करबे?
और 15 लीटर पानी में 500 ग्राम अग्नियास्त्र मिलाना है और स्प्रे करे घड़ी पूरा शरीर ढका रहना चाहिए और नाक पर रुमाल भी बांधना जरूरी है। स्प्रे जो करब हवा की दिशा देखी के और उल्टी दिशा में स्प्रे नहीं करना है। एक प्रयोग दीदी अपने गाँव में करब दूसरा गाँव में नहीं करब यो दीदी सावधानी रखे पड़ता है। दीदी तो किसान दीदी भाई को संदेशो दे चाहे छो? हाँ देवे भैया की हम चाहे कि किसान दीदी भैया अग्निअस्त्र बनाए कर कि प्रयोग कर एकरा बनाबे में कोई खर्च नहीं लागे और पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़े। दीदी तो अपना कीमती समय निकाली के अग्निअस्त्र प्रयोग करे विधि बतले लो एकरा लिए तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।